हेलो फ्रेंड, वेलकम टू LSD। अभी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले क्या आया है हमारा। ओके, रिमेंबर में आ गया, ये आ गया, चेकबॉक्स पे आ गया, ठीक है, सब कुछ सही है। अभी इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस में पहले किसको स्टाइल करेंगे, देखिए इनपुट में हमने क्या क्या स्टाइल कर चुके हैं। अभी तो BTN को स्टाइल कर चुके हैं, तो BTN के बाद जो हमें स्टाइल करने को होगा क्या, अभी जो इनपुट ग्रुप था यहाँ पे देखिए, ये लिए थे ना इनपुट ग्रुप करके, ये ओके, ये यहाँ पर आ गया, सॉरी इनपुट ग्रुप, इसको कॉपी करते हैं, चलते हैं। ये हमारा आईडी था, ये क्लास था, शायद था क्लास, तो डॉट डी इसके अंदर डालते हैं। अभी पहले तो टॉप से 180 पिक्सल रहेगा, टॉप से डाल देते हैं 180 पिक्सल, देन पोजीशन इसको बोल देते हैं, पोजीशन कर लेते हैं एब्सोल्यूट, फिर इसको विड्थ डाल देते हैं इसका 280 पिक्सल, इसे ट्रांजिशन 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 डाल देते हैं 0.5 सेकंड। अभी थोड़ा ये देखते हैं, ओके ये थोड़ा सा सही तो आया हुआ है, फिर भी और भी थोड़ा सा सही करवाना होगा इसे, है ना। तो हमने जो इनपुट फील्ड्स बनाए थे उनको पहले डिजाइन कर लेते हैं। डॉट इनपुट फील्ड बनाए थे, इसको स्टाइल करते हैं, इसके अंदर पहले हम दे देते हैं विड्थ को 100 पिक्सल, जो बॉक्स बना था उसके हिसाब से हम दे रहे हैं, तो पैडिंग 10 पिक्सल दे देते हैं, टॉप लेफ्ट और जीरो डाल देते हैं, पैडिंग हो गया। अभी मार्जिन, मार्जिन को कर देते हैं 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 0 कर देते हैं। अभी बॉर्डर, बॉर्डर टॉप टॉप से 0, बॉर्डर लेफ्ट से भी 0 होगा, बॉर्डर राइट से भी 0 होगा, बॉर्डर बॉटम से थोड़ा सा ये करेंगे, इसमें कलर डाल देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रे, ये वाला डालता है। अब ठीक है, ये ठीक आ रहा है। अभी लॉगिन, अब क्या करते हैं, जो हमने सबमिट वाला बॉटम यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये बॉटम को भी थोड़ा सा, ये वाला बॉटम जो है बॉटम को सही कर लेते हैं। तो बॉटम को सही करने के लिए क्या करेंगे, एंटर के बॉट सबमिट डॉट BTN बनाए थे, देख लेते हैं एक बार क्या बनाए थे, अब
अभी इसके अंदर पहले बॉटम का वेड्थ डालते हैं, जो हमारा जो बॉक्स बना हुआ है उसके वेड्थ का 85% कर लेते हैं। फिर वेड्थ पर पैडिंग डालते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल, टॉप से बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट साइड से। ओके बन गया। सॉरी पैडिंग हो गया। अभी क्रॉस सर्कल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉस पॉइंटर होगा। डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक, देन हमें मार्जिन जिन डालना है ऑटो, जिससे हमें ये चीज पूरा बीच में आ जाए। बैकग्राउंड को हमने वही बॉटम वाला जो लीनियर ग्रेडियंट किया हुआ था यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया। अभी क्या करते हैं, बॉर्डर 0 कर लेता हूँ। ठीक है, अभी बॉर्डर रेडियस तो बना देते हैं ना, इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस डाल देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, दूसरे सब में कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, यहाँ से 30 पिक्सल, तो उसी के हिसाब से दे देते हैं। ओके ये हो गया। अब देखते हैं, ये अब सही आ रहा है ना, हमारा लॉगिन वाला बटन बन गया। अब जो चेकबॉक्स हमने बनाए थे उसको भी इसको थोड़ा सा दे देते हैं मार्जिन वगैरह। चेकबॉक्स इसको एंटर के इसके अंदर मार्जिन देते हैं। मार्जिन क्या दे देते हैं, 30 पिक्सल टॉप से, राइट से, सही है। इसमें और कुछ करने की जरूरत है नहीं, पर यहाँ पर हमने एक स्पान टैग लिया होता ना, स्पान टैग वाला कर लेते हैं। स्पान टैग में पहले तो कॉलर कर लेंगे, कॉलर कर लेते हैं। कलर ग्रे कर लेते हैं, ग्रे हो गया। अभी सॉरी सॉरी यहाँ पे कॉलम हो गया, कॉलर डालना था। ओके फिर फॉन्ट, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करते हैं ना, ठीक है।
अच्छा ये तो ड्रॉ कर लीजिए, 15 पिक्सल कर लीजिए, ठीक है। बॉटम इसको डाल देते हैं, 6। अब क्या करते हैं ना, जो लॉगिन और रजिस्टर बनाए थे हमने यहाँ पे, ये तो हो गया। अभी और एक फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे, लॉगिन वाला फॉर्म हो गया, फिर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भी तो बनाना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसे कॉपी किया, कंट्रोल भी। यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त और एक इनपुट फील्ड चाहिए होता है, जो हमारी ईमेल आईडी कलेक्ट करने के लिए होता है, तो उसको डालते हैं। कॉपी कर लिया, अभी इसमें क्या करेंगे, इसमें वो ईमेल करेंगे, ईमेल कर दिए, इनपुट फील्ड रहने देते यहाँ पर, ईमेल आईडी ईमेल आईडी ये रिक्वायर्ड हो गया, इनपुट फील्ड ये सही हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो होगा ये रजिस्ट्रेशन होगा ना, ओके ये हो गया। तो यहाँ पे दो आईडी ले लेते हैं, ये जो लॉगिन क्या हुआ है, यहाँ पर लॉगिन करना था, लॉगिन इसको आईडी रजिस्टर कर लेते हैं, दोनों पूरा मैसी हो रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन इसके अंदर डालते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट से डाल देते हैं 50 पिक्सल, इसको भी लेफ्ट से दे देते हैं 450 दे देते हैं, ये यहाँ पे आ गया। इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, चलो वाइट में है तो कोई इतना भी फर्क नहीं पड़ता, बाकी ठीक है। अभी यहाँ पे आ रहा ना, अभी देखिए इस पर क्लिक करने से ये कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, इसमें पर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट देना पड़ेगा, तो मैं यहीं पर ही जावास्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। ये फॉर्म बन गया हमारा 2 पेटीएम, पेटीएम के बाद यहाँ पे हम स्क्रिप्ट टैग लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले तो एक भार लेते हैं,
सबसे पहला जो रिमेंबर मी है, यहाँ पे तो हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त रिमेंबर मी नहीं देगा। आई एग्री विथ योर टू दी टर्म्स एंड कंडीशन। ये ठीक है, अभी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, भार लिया हुआ है। भार में हम लिखते हैं पहले ए इक्वल टू, यहाँ पर डालते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट लेंथ बाय आईडी, आईडी में डालते हैं क्या लॉगिन पहले, भर लेते हैं भर बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट काम करता हूँ, अगर लिखने से अच्छा है इसे कॉपी करके डाल देता हूँ। हम पे बी कर लेता हूँ, यहाँ पे रजिस्टर, फिर नीचे वाले में रजिस्टर की जगह करेंगे बीटीएन, बीटीएन यहाँ पे ऊपर हमने बीटीएन लिए थे, बीटीएन एक आईडी लिया था, इसको भी थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ तो यहीं पे है ना कि इस पर क्लिक करेगा तो मतलब इधर उधर हो सके जो लॉगिन और साइन अप है। तो ये हो गया, तो अभी हम तो फंक्शन लिखना पड़ेगा। एक्चुअली हमारी जो सीएसएस की कॉलरिंग किए थे ये तो इधर है ना, तो वो उधर जाना चाहिए, मतलब एक एक के अंदर रहना चाहिए। अभी देखिए कैसा हो रहा है, फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन इसको एक नाम दे देते हैं, रजिस्टर ही दे देते हैं, रजिस्टर हो गया। उसके अंदर फंक्शन लिखते हैं ए डॉट स्टाइल, सी एस एस का जो इनलाइन स्टाइलिंग होता है वो उसको हम टारगेट कर रहे हैं अभी। स्टाइल डॉट माइनस 400 पिक्सल फिर कर देते हैं, अभी इसमें कर देते हैं बी कर देते हैं सी, अब यहाँ पे डालते हैं क्या इसको 50 कर लेते हैं, देखिए ये जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ एक्चुअली मैं इसको पहले देख लिया था कि कितने में सेट होगा, क्योंकि जिससे हमारी टाइम बच पाए, मैं नहीं तो हर चीज़ बनाऊँ फिर देखने जाऊँ कि क्या हो रहा क्या नहीं, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को पता है इतना इतना मैं सेट करके रखा हूँ। बाकी आप जब भी कर रहे हैं पर स्टेप बाय स्टेप देख के करिए तो आपको याद हो जाएगा कि कितना कितना ये पे आपको करना चाहिए। फिर दूसरा फंक्शन रखना है ना, लॉग इन कर दिया तो यहाँ पे सही है। अभी यहाँ पर भी सेम चीज करते हैं। बस इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 50, नीचे को कर देते हैं और 550 कर देते हैं, नीचे वाले को 0 कर देते हैं। अब चेक करते हैं। तो कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने क्लिकिंग फंक्शन ही नहीं लगाए। अब देखिए, हमें ऑन क्लिक वाला फंक्शन भी तो यहाँ पे इंप्लीमेंट करवाना होगा, नहीं तो जो हमने बनाया हुआ है उसको बना के क्या फायदा हुआ? ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में ये लॉग इन वाला लॉग इन फंक्शन को हमने कॉल करवा दिया यहाँ पे। फिर सेंड, इसमें भी कॉल करवाना होगा, रजिस्टर को कॉल करवाना होगा। ऑन क्लिक ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब देखते हैं, ये सही है ना? अब देखिए, क्लिक करते ही इधर जा रहा उधर जा रहा। अभी एक चीज़ है कि ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हमें इसको नहीं दिखाना है। तो हमने जो ये वाला पूरा बॉक्स है जो व्हाइट वाला बनाए थे, इसमें इसके आउट जो जा रहा है ना मन, उसको ओवर फ्लो को हाइड कर देते हैं। ये वाला जो बॉक्स था व्हाइट, हमें किस तरह से ये किया था होता व्हाइट वाला पोर्शन जो था फॉर्म बॉक्स, ये था ना फॉर्म बॉक्स, उसी में कर लेते हैं। सॉरी, इसमें ओवर फ्लो फ्लो देखिए चला गया। अब देखिए हो रहा, सबमिट करूँगा, ये रिकॉर्ड मांग रहा, यहाँ पे सबमिट करता हूँ, रिकॉर्ड मांग रहा। देख रहे हैं आप, अभी कर सकते हैं, पूरा मैंने बना दिया। जिसको जिसको ये कोड चाहिए, मैं कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, मेरे को आप व्हाट्सअप कर दीजिए, सॉरी व्हाट्सअप कह रहा हूँ, आप नीचे कमेंट करिए, कमेंट में इधर आप व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो, या हमारा जो नंबर यहाँ पे फ्लैक्स हो रहा है यहाँ पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारा टीम आपको ये कोड भेज देगा। ओके, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, खुद भी इम्प्रूव कीजिए सब।